झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने को लेकर पूर्वी सिंहभूम ज़िले में अब तक 44,627 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया। यह जानकारी ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिया। ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि जनवरी में यह योजना लागू हुई थी, जिसमें 2,300 लोगों को भुगतान कर दिया गया था। वहीं 17,500 लोगों का भुगतान प्रक्रिया में था। हम लोगों ने पेट्रोल पंप, जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया। हम लोगों का लक्ष्य 1,00,000 था, लेकिन अब तक हमने 50% भी नहीं पहुंचा पाए, लेकिन प्रयास जारी है। सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ ज़रूर लें। इसमें एक और लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि जो लोगों के द्वारा जनवरी माह का पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले लिया गया है या अन्य महीनों में जब भी लाभ ले लिया जाएगा, तो CM सपोर्ट में एक लास्ट में अंतिम में एक घोषणा पत्र है। तो जिस माह के लिए वो लोग ले लिए हैं, तो उस माह का ये घोषणा देना होता है कि हमने जो राशि हमको सरकार से मिली है उसका उपयोग हम लोगों ने कर लिया है, और वो सबमिट करने के बाद उनका पुनः दूसरे माह के लिए अपने आप रजिस्टर्ड हो जाता है कि वो योग्य हो गए हैं दूसरे माह का भी सब्सिडी लेने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या सर पूरा जागरूक लोग हो चुके हैं इस मामले को लेकर? लगभग जो हम लोगों ने अभियान चलाया और जगह जगह पेट्रोल पंप के पास भी हम लोगों ने बैनर पोस्टर लगाया है, और सभी राशन दुकान में हम लोगों के द्वारा सरकार से के द्वारा सप्लाई किया गया था, उस पोस्टर को भी लगाया, और सभी डीलर उसको बता रहे हैं, और लगभग सभी लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंच चुकी है। मतलब फायदा हो रही सरकार की योजना का? फायदा हो रहा है। जो लोग नहीं कराए हैं, अभी भी बचे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जमशेदपुर जिला रांची के बाद सबसे ज़्यादा वाहन यहीं पर रजिस्टर्ड है, दोपहिया वाहन भी, और उसका हम लोगों के द्वारा अनुमानित है कि लगभग हमारे यहाँ 4,25,000 कार्डधारी हैं। हम लोगों के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि लगभग 1,00,000 लोग इससे 1,00,000 कार्डधारी इससे जुड़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग 50% नहीं पहुंचे हैं। अनुमान है कि वो लोग किसी कारणवश दूसरे के नाम से, यदि उनके पास वाहन है दोपहिया वाहन, तो उसको अपने नाम से DT ऑफिस से ट्रांसफ़र करा ले, और ये तभी उनको लाभ मिल पाएगा। और एक और जो सूचना मिल रही है कि दूसरे ज़िले के अभी उनके पास वाहन है, या तो वो इस ज़िले में ट्रांसफ़र करा लें अपने वाहन का और यहाँ का लाभ ले सकते हैं। और सरकार के द्वारा ये भी प्रोविज़न किया जा रहा है कि अगर दूसरे ज़िले के भी वाहन हैं और यहाँ लोग निवास कर रहे हैं, तो उस पर भी वो ले सकते हैं। कितना टोटल हो चुका है सर अब तक रजिस्टर्ड? 44,627 लोगों के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है।